आज मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मेरा 14 डे वो क्वारंटाइन फाइनली फिनिश होता है एंड हम लोग उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह जा रहे हैं जिसका नाम है वेंचर, विच इज एके कॉल्ड एज मरुगढ़। तो मैं वहाँ का आपको जर्नी थोड़ा टाइम लैप्स में दिखाऊंगी एंड मैं वहाँ की जगह, इट्स एन एक्सट्रीमली ह्यूज प्लेस, इट्स अ फोर्ट एंड उसके गार्डन में देयर इज अ सीटिंग वेयर यू कैन यू नो कम विद योर फैमिली एंड यू कैन लोग आठ लोग हैं। सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं एंड देयर इज अ पार्क इन दैट गार्डन विच इज ह्यूज, एक्सट्रीमली ह्यूज एंड इट हैज स्विंग स्लाइड्स एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट स्मॉल चिल्ड्रन टू प्ले विथ। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, मैं कुछ 4-5 साल पहले तक खेल लेती थी। सो अब मैं वो जगह जा रही हूँ एंड मैं वहाँ का आप लोगों को डेफिनेटली शूट करके दिखाऊंगी। ये है मरुगढ़ एंड ये है इसका इंटीरियर लुक जो आप देख सकते हैं। एंड अभी यहाँ पे इतनी लाइटिंग्स इसीलिए लगी हुई है क्योंकि उस दिन दिवाली थी, तो आप जैसे देख सकते हैं ये फोर्ट काफ़ी ह्यूज है और इसमें प्रॉपर लाइटिंग्स भी की हुई है एंड इसका एरिया बहुत बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ह्यूज। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने लाइटिंग लगाई है और ये इतना बड़ा सिर्फ प्लेन गार्डन है और वो है पार्क जहाँ पे खेल सकते हैं, बट ये गार्डन जो है यहाँ पे नॉर्मली सीटिंग लगती है, मतलब बेंचेस लगते हैं एंड चेयर्स लगती है, यहाँ पे बैठ के नॉर्मली डिनर किया जाता है, बट अभी कोविड के कारण यू नो सब अंदर ले लिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चेयर नहीं है, सारी चेयर्स अंदर शिफ्ट कर दी है होटल के, और ये बहुत ही बड़ा, आप अंदर जाके फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हैं, बहुत बड़ा है ये एंड बहुत ही अच्छी लाइटिंग की हुई है। जैसा आप देख सकते हैं ये उसका एंट्रेंस डोर है एंड इसे मरुगढ़, देखिए वहाँ ऊपर लिखा हुआ है मरुगढ़, तो इसे मरुगढ़ कहते हैं। एंड अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं उस गेट पे एंड लाइटिंग्स बहुत ही शानदार की है एंट्री पे एंड Let's go and see what's there inside. And आप देख सकते हैं गेट कितना बड़ा है, कितना बड़ा। ये है कैनन जो उस टाइम यूज किया जाता था वॉर्स के लिए। एंड अ फन फैक्ट, अगर आप जोधपुर में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहो तो जोधपुर के अंदर अंदर ही में 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं लगता किसी जगह ट्रैवल करने के लिए, एक्सक्लूडिंग द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक अगर होगा तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन 1 घंटा इज़ द मैक्सिमम यू नो टाइम विच यू कैन टेक फ्रॉम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन राजस्थान। सो ये है उसका गेट जहाँ से मैटर कर रहे हैं। सो अभी हम लोग ऊपर चढ़ के अंदर जाने वाले हैं, सो लेट्स गो एंड सी, बाय। सो ये है इंटीरियर लुक एंड बहुत ही फाइन राजस्थानी आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर यू नो स्टोरीज जो होती हैं उन्हें यू नो पिक्चर्स के फॉर्म में क्रिएट करके समझाना। एंड यहाँ पे बहुत सारे डाइनिंग हॉल्स हैं जो आप स्टेयर्स देखे उसका मतलब हम इधर ऊपर और नीचे दोनों जगह डाइनिंग हॉल्स हैं जो पार्टी या किसी ओकेजन के लिए पूरा हॉल दिया जाता है। एंड बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स एंड ऑल लगी हुई, आप यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। एंड क्योंकि ये होटल है तो ये रिसेप्शन है बेसिकली, जो भी एंटर करते हैं तो ये रिसेप्शन है, लेकिन स्पेशली जो सिर्फ यू नो डिनर या लंच एक मील खाने आते हैं उनके लिए ये है जिसे कहते हैं मरुगंधा डाइनिंग, जहाँ सिर्फ लंच या डिनर मिलता है। और ओ माय गॉड, पूरा का पूरा खाली, कैन यू बिलीव इट, कोई भी नहीं था। वी आर द फर्स्ट फैमिली टू एंटर। नाउ
ये जो है ये है इंटीरियर ऑफ द होटल। तो जो रूम्स हैं जो होटल में जो रहते हैं यहाँ पे उनके लिए ये हैं। तो ये होटल के जो रूम्स हैं वो कैसे दिखते हैं और उन्हें हम बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, एज इन एक डोर है जो जिसको आप खोलते ही यू विल डायरेक्टली कम ओवर हियर। जो अभी आपको इतना क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि रात हो रही होती, बट सुबह यू विल सी इट्स अ प्रॉपर गार्डन एंड हम लोग बस ये गार्डन को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे स्विमिंग पूल का रास्ता एंड जो रूम नंबर्स हैं स्पा एंड वेलनेस वहाँ का है। तो हम लोग अभी स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ रहे हैं स्विमिंग पूल देखने के लिए कि इस होटल का स्विमिंग पूल कैसा है। सो लेट्स गो। ओ माय गॉड, काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है ये एंड यहाँ डाइनिंग भी हो रही है। आई सी पीपल डाइनिंग हियर एंड इट्स ब्यूटिफुल, बट यहाँ बहुत मस्कीटोज हो रहे हैं एज आई सी, एंड बोट भी पड़ी है वहाँ, बट दैट्स रॉक का बोट सो यू कैन नॉट सिट ऑन इट। सो लेट्स गो बैक इनसाइड, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड एक्चुअली। यहाँ पे अभी करंटली 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है एंड एज पर वेदर फोरकास्ट अभी और 2 घंटे में 14 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। सो वी बेटर रश इनसाइड। चलो जैसे आप सामने देख सकती है एक और एंट्री गेट है बट ये करंटली अभी बंद किया हुआ है, तो हम लोगों ने दूसरे गेट से एंटर किया था। एंड यहाँ देखो जैसे आप दूसरी फैमिली को भी देख सकते हैं, वो फोटोज़ खिंचा रही हैं यहाँ पे।